किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, खुद जो न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم कुफ्र इल्हाद के घटाटोप अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे। काबतुल्लाह बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज था। हक परस्ती के चराहों की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। शैतान की सरदारी में वक्त के नमरूद शद्दाद आईने रहमानी को खुल्लम खुल्ला ललकार रहे थे। जबर इस्तबदाद की बेलगाम कुव्वतों ने इंसानों की आजादी सल्ब करके उनकी गर्दनों में दायमी गुलामी के तौक डाल दिए थे। अखलाकी अकदार दम तोड़ चुकी थी। शरफ इंसानी अपनी बेचारगी पर नौह कना और अजमत आदम अपनी तजलील पर रंजीदा व पशेमा। हर तरफ बुराई का शोर और कुफ्र का जोर था। आलमी इंसानी मुआशरा अपने अंजाम से बेखबर बेयकीनी के रास्तों पर गामजन था। इंसानियत के लरसते हुए हाथ बारगाहे इज्दी में उठे हुए थे। फिर वो लम्हा आया जब दुआएं मुस्तजाब हुई। फारान की चोटियों से आफ्ताब रिसालत पूरी आबोताब से दुनिया के तारीख पर्दों को चाक करता हुआ तुलू हुआ। आफ्ताब रिसालत की मुकद्दस किरणों से सहराए अरब जगमगा उठा। इंसानियत के चेहरे पर निखार आ गया। आदमियत ने सुख का सांस लिया। शहंशाह कायनात तर्जमान तौहीद नुमाइंदा खुदा अहमद मुस्तफा बड़ी शान अलुहियत का पैगाम लेकर जमीन पर जलवागर हुए। आपकी तशरीफ लाते ही ऐवान बातिल में जलजला आ गया। आतिश कदए ईरान सर्द पड़ गया। कैसर व किसरा के किंगरे सजदरेज हो गए। इसका रद्दअमल यह हुआ कि कुफ्र जलालत की सारी कुव्वतें आपके खिलाफ मुत्तहिद हो गईं। आपका समाजी बायकाट किया गया। पैगाम हक के मिशन से दस्तबरदार करने के लिए हर तरह की तरकीबात दी गईं, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को खातिर में ना लाए। कुरैश मक्का ने मक्का की जमीन आप पर तंग कर दी। तब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत का हुक्म दिया। राह खुदा में हुक्म खुदा से अपनी जाए पैदाइश मक्का पर अलविदाई नजर डालते हुए आपने फरमाया, मक्का तू मुझे तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहां रहने नहीं देते। मदीनतुल मुनव्वरा किस तरह वजूद में आया, इसके मुतालिक तारीख बताती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से बच निकलने वाले कुल 81 नफूस थे जिन्होंने बाबुल के गिर्द पड़ाव डाला। वक्त के साथ जब उनकी नस्ल बढ़ी तो साम बिन नूह की औलाद ने मदीना में सुकूनत इख्तियार कर ली। इस सरजमीन में बागबानी और काश्तकारी करने वाले यही लोग थे। वही बाद में अमालका और अमालिक कहलाए, क्योंकि ये लोग अमालिक बिन अरफक्शा बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। अमालिक को बहुत उरूज हासिल हुआ। हिजाज से लेकर शाम और मिस्र तक उनकी हुक्मरानी थी। अमालिक के बाद जिन लोगों ने यहां कदम जमाए वो यहूद थे। यहूद यहां कैसे आए इसके मुतालिक तारीफ इंकशाफ करती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मनासी के हज के लिए मक्का मुअज्जमा तशरीफ लाए तो बनी इसराइल की मुख्तलिफ जमातें उनके हमराह थीं। वापसी पर उनका गुजर इस मकाम से हुआ जहां आज का मदीना आबाद है। बनी इसराइल ये देखकर हैरान रह गए कि इस खित्ते अर्स में और तौरात में बयान की गई उस शहर की निशानियों में जिसे जातुल नकल कहा गया था और जहां से आखिरी नबी का जहूर होना था बड़ी मुशाबहत थी।
इस काफिले के कुछ लोग यहीं आबाद हो गए। तुलु इस्लाम से 9 सदियां पहले यमन में सैलाब को, जिसे सैल अम और सैल फना के नाम से याद किया जाता है, बड़ी तबाही मचाई। बहुत से कदीम कबाइल मजबूरन यहां से हिजरत करके जजीरतुल अरब आ गए। इनमें कबीला अजू भी दोषार हैं, औस और खजरज भी यहां सकूनत पजीर हुए। ये वही औस और खजरज थे जिन्होंने इस्लाम की दावत अव्वलीन कबूल की और महाजरीन इस्लाम के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। महाजरीन इस्लाम को पनाह देने वाले यही मेजबान बाद में तारीख में अंसार के नाम से मशहूर हुए। वो खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी रहमत के मुस्तहिक ठहरे और हयात जाविदा पाए। मदीना मिल्लत इस्लाम का दिल है। उलूम कायनात के मुअल्लिम आजम की आखिरी आरामगाह है। यहां पर बारान रहमत लम्हा बलम्हा अपने पूरे शबाब पर है। रोज़े अक़दस पर साये किए हुए गुम्बद खजरा का नजारा आलम इस्लाम की आंखों का नूर और दिल का सुरूर है। मदीने मुनव्वरा में रहमतुल आलमीन के जस्ते अक़दस का वो दफीना है जिसकी मोहब्बत नजात का सफीना और ईमान का करीना है। ये शहर टूटे हुए दिलों का सहारा और गुनाहगारों के लिए रहमत का इशारा है। कितने बानसीब हैं वो कुलूब जिन्हें मोहब्बत मदीना ने धड़कना सिखाया। कितनी बामुराद हैं वो बेकरार आंखें जो दीदार मदीना के इंतजार में अश्क बार हैं। इनायात की खास बारिश है उन लोगों पर जो दियार हबीब में आबाद हैं। इन कुदसी फजाओं में बसने वाले खुशनसीब जिंदा रहने की तमन्ना के साथ साथ शफीउल मसरबीन के शहर में मरने की भी आरसू करते हैं। मदीना मुनव्वरा तकरीबन चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। इसके शिमाल मगरब में जबल सला, जुनूब में वादी अकीक और जबल एर, शिमाल में जबल ओहद, मशरिक में हिराए शर्किया और मगरब में हिराए गर्बिया वाक है। वादी बधान और वादी रनूना शहर से गुजरती है। शहर नबी जिद्दा से 450 किलोमीटर, मक्का से 497 किलोमीटर, यम्बा शहर से जो बहर अहमर के साहिल पर है 250 किलोमीटर के फासले पर वाके है। तुर्कों के दौर में शहर एक दीवार में महसूर था जिसे दीवार मदीना कहा जाता था। मुख्तलिफ नामों से इस दीवार में कई दरवाजे थे। रेलवे लाइन के जरिए शहर दमिश्क और इस्तंबुल से मिला हुआ था। ये शहर सतह समंदर से 600